सो हेलो गाइज, तो गाइज ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म यानी कि फाइटर बॉक्स पर पूरी तरह से तांडव मचाती हुई नजर आ रही है। जंग तो फाइनल तौर पर चार दिनों की इस मूवी के इंडिया नेट कलेक्शन की बात करेंगे। इस मूवी ने अपने पहले तीन दिनों तक कितना कलेक्शन किया एंड आज यानी कि संडे के दिन ये मूवी कितना बड़ा धमाका करने में सक्सेसफुल हो सकती है। जंग तो इंडिया नेट की बात करें तो इस मूवी के रिव्यूज की बात करें, सबसे पहले इस मूवी के बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिव्यू आए हैं। पहले दिन की बात करें तो इस मूवी ने नॉन हॉलीडे पे वर्किंग डे पे लगभग 24 करोड़ 60 लाख रुपए की पहले दिन की कमाई की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कमाई थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कमाई थी। एंड गाइस इस मूवी के अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन रिपब्लिक डे आया एंड छुट्टी का माहौल आया एंड इस मूवी ने अच्छा खासा जंप मारा एंड लगभग 40 करोड़ 20 लाख रुपए की धमाकेदार कमाई करते हुए इस मूवी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। एंड गाइस इस मूवी के तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन फिर से सैटरडे का दिन आया एंड सैटरडे के दिन इस मूवी ने जो कलेक्शन किया वो अर्ली एस्टिमेट गाइस 28 करोड़ रुपए का किया, जो कि शनिवार का दिन था, जो कि ठीक ठाक मामला इस मूवी के लिए रहा। जी हाँ गाइस, तो आज है इस मूवी का चौथा दिन एंड वर्किंग डे नहीं है गाइस, फुल फुल और धमाल तरीके से संडे का दिन है। एंड गाइस आज के दिन ये मूवी और भी जब मारते हुए लगभग 37 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है, जिस मूवी की जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग बहुत ही अच्छी खासी हुई है। एंड गाइस इस मूवी के अगर टोटल इंडिया नेट चार दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 133 करोड़ रुपए इस मूवी का हिंदी नेट कलेक्शन इस मूवी का बैठ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंड कर रही है। जी हाँ गाइस, तो ऋतिक रोशन की ये मूवी कहां तक जाएगी कहां तक नहीं जाएगी अभी कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और गाइस ऐसा लगता हुआ नज़र आ रहा है कि ये मूवी 300-350 करोड़ तो आराम से करके ही पूरी तरह से पार मारेगी एंड ये मूवी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग एरियल एक्शन सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी है एंड बहुत ही अच्छा इस मूवी को रिस्पॉन्स मिला, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऋतिक रोशन के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी बन सकती है। कमेंट सेक्शन में जरूर लाइफ टाइम कलेक्शन।